हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोनॉट। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने सेंसर क्या होता है, सेंसर की बेसिक वर्किंग क्या होती है, सेंसर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और सेंसर के एप्लीकेशंस क्या होती है, वो पार्ट कवर अप करा था। अब हम आज पहला सेंसर कवर करने जा रहे हैं जो कि LDR है। LDR क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसका फिजिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। सो, अगर हम LDR के फुल फॉर्म की तरफ बढ़े तो LDR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और अगर हम LDR की डेफिनेशन की तरफ बढ़े तो LDR की जो डेफिनेशन होती है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज फोटो रजिस्टर, फोटो सेल, फोटो कंडक्टर। इसे आप फोटो रजिस्टर भी बोल सकते हैं, फोटो सेल भी बोल सकते हैं और फोटो कंडक्टर भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट सरफेस। ओके, ये एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है जिसका रजिस्टेंस वेरी होता है उसके सरफेस के ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है उसके ऊपर। अगर उसके सरफेस के ऊपर लाइट पड़ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका रेजिस्टेंस वेरी होगा। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द रजिस्टर देन द रेजिस्टेंस चेंजेस। जब LDR मतलब रजिस्टर LDR के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। दिस रजिस्टर्स आर ऑफन यूज इन मैनी सर्किट वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यह रजिस्टर बहुत से सर्किट में यूज होता है जहाँ पर उसे लाइट की प्रेजेंस को सेंस करना है। और इसके बहुत सारे फंक्शंस, वैरायटी ऑफ फंक्शंस एंड रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक मोस्ट कॉमन एक LDR कंपोनेंट होता है जिसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बोला जाता है, जिसे आप फोटो रजिस्टर भी बोल सकते हैं, फोटो सेल भी बोल सकते हैं और फोटो कंडक्टर भी बोल सकते हैं। और एक ये नॉन पोलराइज कंपोनेंट होता है। नॉन पोलराइज का मतलब इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, मतलब इसमें कोई पॉजिटिव नहीं होता है, कोई नेगेटिव नहीं होता है। तो ये एक LDR की बेसिक डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब LDR काम कैसे करता है। अगर हम LDR की वर्किंग की तरफ बढ़े तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको एरोस के फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जब LDR के ऊपर अगर आप लाइट कम डालेंगे, मतलब LDR के ऊपर लाइट कम पड़ रही है, तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा एंड करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके आउटपुट डिवाइस पर जो भी आपने कनेक्ट कर रखा है, जैसे आपने LED कनेक्ट करके रखी है, मोटर कनेक्ट करके रखी, जो भी आपने आउटपुट डिवाइस पर कनेक्ट करके रखा है वो ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगा। ऐसे ही अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो आउटपुट डिवाइस पे जो भी कनेक्टेड है वो ऑन स्टेट में आ जाएगा। आप रेजिस्टेंस एंड करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज होते हुए देख रहे हैं। अगर हम इसे रिलेट करें V इक्वल टू IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी एंड अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरीके से उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट डिवाइस का ऑन और ऑफ स्टेट चेंज होगा। तो इस तरीके से बेसिक वर्किंग होती है ये LDR की। आप इस पिक्टोरियल फॉर्म में भी देख सकते हैं, जब यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है तो इस तरीके से आप इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। हम बात करते हैं अब फिजिकल आइडेंटिफिकेशन की, LDR दिखता कैसा है। जब आप LDR को मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको LDR को पहचानते आना चाहिए कि हाँ ये LDR है, इसे LDR बोला जाता है। तो मेनली LDR दो पैकेजेस में मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। पहला जो पैकेज होता है वो होता है इपॉक्सी रेजिन और जो दूसरा पैकेज होता है वो हर्मेटिकल पैकेज। तो मेनली जो मोस्ट कॉमनली पैकेज जो मार्केट में अवेलेबल और जो मोस्टली यूज होता है वो होता है इपॉक्सी रेजिन पैकेज, जो इस तरीके से दिखता है। अगर हम LDR की सर्किट सिंबल की बात करें तो LDR का जो सर्किट सिंबल है वो इस तरीके से रहता है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम LDR के फिजिकल आइडेंटिफिकेशन की तरफ। LDR के फिजिकल आइडेंटिफिकेशन की तरफ और बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि LDR में जो नीचे जो टर्मिनल्स लगे होते हैं उन्हें वायर टर्मिनल्स बोला जाता है। LDR का जो
सरफेस होता है वो सिरेमिक का बना होता है। फिर आपको यहाँ पे दो डॉट्स दिखेंगे, वो कोल्ड पेल्ट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और जो टॉप सरफेस होता है वो फोटो कंडक्टिव मटेरियल का बना होता है, पूरा फोटो कंडक्टिव मटेरियल। एंड आपको एक आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जिगजैग पैटर्न ऊपर टॉप पर देखेगा LDR के ऊपर, तो वो कैडमियम सल्फाइड ट्रैक होता है, कैडमियम सल्फाइड ट्रैक होता है। तो इस तरीके से आपका LDR फिजिकली दिखता है। आप मार्केट में जाएंगे LDR बोलेंगे तो वो आपको LDR दे देंगे और आप इजीली आप उसे देखकर परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम LDR की टेस्टिंग की बात करें तो अगर आपको LDR को टेस्ट करना है तो मोस्ट कॉमनली जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपको आपको वो लगेगा मल्टीमीटर। अब LDR को टेस्ट कैसे करा जाता है, मल्टीमीटर में आपने दो प्रोब्स देखी होगी, एक पॉजिटिव प्रोब मतलब लाल कलर की आपको एक प्रोब दिखेगी, एक नेगेटिव प्रोब ब्लैक कलर की आपको प्रोब दिखेगी जो कि काली कलर में होगी। ठीक है, अब आपको दोनों प्रोब्स को LDR के टर्मिनल्स पर लगाना है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि एक नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट होता है, मतलब इसमें कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होता है, तो आप मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को LDR के कोई भी टर्मिनल पर लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, LDR के ऊपर आपने मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को लगाया है, आपको LDR के टॉप सरफेस के ऊपर लाइट डालना है विद द हेल्प ऑफ टॉर्च और आपके मोबाइल की फ्लैट साइट से डाल सकते हैं, और मल्टीमीटर पर जो नॉब है उसको आपको रेजिस्टेंस पर सेट करना है। तो आप देखेंगे जब आप LDR के टॉप सरफेस पर लाइट डाल रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो 500 ओम्स के अप्रॉक्स आपको वैल्यू देगा। ठीक है, और दूसरे केस में अगर आप दूसरे पिक की तरफ बढ़ेंगे, अगर आप LDR के ऊपर डार्क करेंगे मतलब उसके ऊपर अंधेरा करेंगे, अगर आप कोई लाइट नहीं डालेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 200 किलो ओम मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि जब लाइट डाल रहे हैं तब जो रेजिस्टेंस है 500 ओम जा रहा है, जब लाइट नहीं डाल रहे हैं LDR के टॉप सरफेस के ऊपर तो जो रेजिस्टेंस है 200 किलो ओम जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप LDR को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम रेजिस्टेंस और लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में कवर अप करा, उसमें उसका डार्क में 1000K मतलब 1000 किलो ओम में रेजिस्टेंस चला जाता है, ब्राइट लाइट में उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 500 ओम के ड्रॉक चला जाता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत वैरी होती है, और अगर हम रेजिस्टेंस और लाइट इंटेंसिटी के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम आते हैं LDR के एप्लीकेशंस की तरफ। LDR की वास्ट एप्लीकेशन होती है, आपको बहुत सारी जगह पे LDR दिखेगा, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी में दिखेगा, लाइट फेलियर अलार्म सर्किट्स में दिखेगा। लाइट फेलियर अलार्म सर्किट में LDR का काम ऐसा होता है कि जब हम LDR उसमें लगा देते हैं तो अगर कोई लाइट वर्कआउट नहीं कर रही है तो वहाँ पर LDR लगा होता है, तो आउटपुट पे हम एक बजर LED इंडिकेशन के लिए लगा सकते हैं, और वो LDR के ऊपर जैसी लाइट नहीं पड़ेगी तो अकॉर्डिंगली आउटपुट पे वो बजर या LED ग्लो कर जाएगी। स्मोक डिटेक्टर्स में LDR यूज होता है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस कंट्रोल टेलीविजन रिसीवर्स में आप LDR को देख सकते हैं, फोटो सेंसिटिव रिले में देख सकते हैं, ऑप्टिकल कोडिंग में देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट कंट्रोल सर्किट बहुत कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन है LDR की, बहुत कॉमनली आप इसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, कैमरा लाइट मीटर्स में यूज होता है, सिक्योरिटी अलार्म में LDR का यूज होता है। तो ऐसी LDR की बहुत सारी एप्लीकेशन से आप LDR को यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये था LDR के बारे में इंफॉर्मेशन कि LDR क्या होता है, LDR किस तरीके से काम करता है, और LDR की एप्लीकेशंस क्या होती है। आई होप मुझे लगता है आपको ये LDR के बारे में समझ में आ गया होगा, और LDR किस तरीके से काम करता है आपको इसकी वर्किंग क्लियर होगी। सो थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल की लिंक यहाँ पर सामने दी हुई है, आप यहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सेंसर की बात करेंगे, नेक्स्ट सेंसर को हम कवर अप करेंगे। तब तक आप LDR की एप्लीकेशंस के ऊपर वर्कआउट करिए, थोड़े किस तरीके से LDR से हम सर्किट्स बना सकते हैं। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।